हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फ्रेंडेस्टिको स्टडी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं अ कार एक्सीड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन फाइव सेकंडस कैलकुलेट द एक्सीलरेशन पार्ट वन और पार्ट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यह कार है ये कार की इनिशियल विलोसिटी है एटीन किलोमीटर पर आवर अब ये कार फाइव सेकेंड्स में इसकी विलोसिटी भर हो जाती है थर्ट किलोमीटर पर आवर यानी इसकी फाइनल विलोसिटी होती है थर्टी किलोमीटर पर आवर और अब हमें निकालना है कि इसमें कितना एक्सलेशन लगा इस कार में विलासिटी बढ़ने से और इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस कार ने पाँच सेकेंड में तो आइए इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारा सोल्यूशन तो सबसे पहले हमें क्या दिया है पार्ट वन में एक्सोलेशन तो सिंपल है बहुत हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए का फॉर्मूला क्या होता है एक्सलेसन का वी माइनस यू अपॉन टाइम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अब यहाँ पे हमारी गिवन वैल्यूज़ हमने लिख दी यहाँ पे सारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन आप चाहते हैं तो इसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू लिखा है सो so, यहाँ पे हमारा टाइम जो है फाइव सेकेंड में है तो सबसे पहले हम यहाँ पे विलोसिटीज को उनकी यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे सो मीटर पर सेकेंड के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं फ़ाइव बाई एटीन से सो so, इसको हम करेंगे एटीन इंटू फाइव बाई एटीन एटीन टू एटीन कैंसिल हो जाएगा हमारा फ़ाइव मीटर पर सेकेंड यू और वी हो जाएगा हमारा थर्टी सिक्स इंटू फाइव बाई एटीन एटीन टू से थर्टी सिक्स टू फाइव से टेन टेन मीटर पर सेकेंड अब हमने हमारी इनिशियल वेलोसिटी बिलासिटी फाइनल वेलोसिटी को यूनिट में कर लिया है और टाइम की भी यूनिट सेकेंड्स हैं तो अब बस हम फॉर्म वैल्यूज पुट करेंगे सो तो यहाँ पे वी क्या है हमारा टेन माइनस यू है हमारा फाइव सो टेन माइनस फाइव अपॉन टाइम फाइव फाइव अपॉन फाइव ये हो जाएगा हमारा वन और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमारा एक्सलेशन आ गया ये हमारा आंसर अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से और डिस्टेंस को हम दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं यानी दो इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमें टाइम भी मेंशन है तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा ईजी होगा इसको निकालना वरना हम दोनों से निकाल सकते हैं इसे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम है इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए अब हमारी सारी वैल्यूज़ तो हमने निकाल ही रखी है यहाँ पर बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फाइव मीटर पर सेकेंड टाइम है हमारा फाइव सेकेंड मैंसनिंग द क्वेश्चन प्लस वन बाई टू एक्सुलेसन हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में इंटू वन और टाइम क्या स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर सो so, अब बस इसे सॉल्व सॉल्व करते हम फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव प्लस हाफ़ इंटू फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव यहाँ पर हम वन को ऐसे ही हटा सकते हैं क्योंकि सेम ही होगा वन से मल्टीप्लाई करने पर सो so, अब यहाँ पर ट्वेंटी फाइव और टू को हम कट करेंगे टू वन जो टू 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 जो फोर टू वन जीरो टू ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व पॉइंट फ़ाइव तो ये होगा हमारा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव यहाँ ऐसे लिख देते हैं एस मतलब डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड सो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव कितना होगा फाइव टू सेवन टू वन थ्री सो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव और एसा यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की मीटर सो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मीटर ये हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं हो गया हमारे क्वेश्चन सोल्व आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग